हेलो चेंज मेकर्स, आप सभी का स्वागत है स्टेप अहेड इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नई अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने एग्रीकल्चर फील्ड से पढ़ाई की है, अपना ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन और एनी अदर डिग्री आपने कंप्लीट की है एंड आप चाहते हो कि इसी सेक्टर में आप अपना करियर बनाओ या फिर किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में ढूंढ भी रहे हो, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड हैज़ इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम। तो जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आता है, इन्होंने यंग प्रोफेशनल्स की वैकेंसीज निकाली है अभी। तो जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, ताकि आपको पता चले कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल्स क्या है, आप इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। नंबर ऑफ वैकेंसी 17 है। पर मंथ आपको जो रेम्यूनरेशन दिया जाएगा वो 50,000 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका जो पीरियड रहेगा इस पूरे प्रोग्राम का, वो रहेगा 1 साल का। बट अगर आपने आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा पूरे 1 साल तक, वो रिव्यू करेंगे एंड इसके बाद वो 2 साल के लिए बढ़ा भी सकते हैं ड्यूरेशन। लोकेशन इसका इंडिया के अलग अलग स्टेट में रहेगा, जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, नासिक, पुणे, विजयवाड़ा, भोपाल, ग्वालियर, भुवनेश्वर, देहरादून, नागपुर, पटना, रायपुर एंड रांची, जो कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड्स के जो सेंटर्स है, वहाँ पे एक सेंटर के लिए एक वैकेंसी ऐसे इन लोगों ने यहाँ पे डिटेल में दिया है। एंड इसको अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 2 दिसंबर है, तो बहुत कम टाइम बचा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा और जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एज क्राइटेरिया में उन्होंने बोला है कि 35 ईयर्स तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन लोगों ने एकदम डिटेल में दिया है, तो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं एक बार बता भी देती हूँ आपको। ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर विथ पोस्ट ग्रेजुएशन इन हॉर्टिकल्चर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंसेस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये सारी अगर डिग्रीज में से एक कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बोला है ग्रेजुएशन इन हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर विथ MBA इन एग्री बिजनेस। एंड इसके अलावा कुछ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होना चाहिए, लाइक MS ऑफिस, पावर पॉइंट एंड एक्सेल। अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उन्होंने आगे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी पूछा है। अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड उन लोगों को प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे हम जान लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये लिंक जो एप्लीकेशन का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके सीधे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई एप्लीकेशन फॉर यंग प्रोफेशनल्स जो है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको वो आपका फ़ोन नंबर पूछेंगे एंड उस पर एक OTP आएगा। वो OTP डालने के बाद एक विंडो ऐसे ओपन होगी, इसमें आपको अपने बेसिक डिटेल्स भर देना है, लाइक आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल ID, जेंडर, नेशनलिटी क्या है एंड एड्रेस वगैरह डालने के बाद आप यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो एक से ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें ऐड करके और ऐड करते जा सकते हैं। उसके बाद आपको डालना है एजुकेशनल वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स, सॉरी वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स। तो इसमें भी आप ऐड करके एक से ज़्यादा हो तो आप कर सकते हो। कंप्यूटर स्किल्स एंड बाकी डिटेल्स के बारे में आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। अगर कुछ नहीं है तो आप नॉन एप्लीकेबल भी लिख सकते हो। आपका जो आइडेंटिटी साइज फ़ोटो है, स्कैंड फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आपकी सिग्नेचर स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, देन उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर वो, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे मेल वगैरह करके। ठीक है, तो बाकी चीज़ें तो उन्होंने बताई नहीं है कि नेक्स्ट राउंड क्या होगा, इंटरव्यू होगा, बाकी चीज़ें तो उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। तो अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो दे विल मेल यू।
अगर आप फ्री मेंटरशिप सपोर्ट चाहते हैं, चाहते हैं कि हम हमसे किसी भी तरीके का गाइडेंस लेना, तो आप हमारे ये जो नंबर है